इहां और का धंधा है, दिन दुपहरिया हो चाहे अधरतिया, तेज जाड़ा हो चाहे गर्मी, चाहे झमाझम बरसात, साल भर 2400 घंटा यहाँ एक ही धंधा होता है, कोयला का। कोयला ही यहाँ के लिए सब है, ओढ़ना बिछौना जीवन मरण सब। मनी मसल और मैन पावर का मजबूत नेटवर्क से धनबाद में अवैध कोयला का कारोबार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूँ राकेश सिंह। कोयले के अवैध खनन के मामले मुख्य रूप से बंगाल झारखंड में हैं। अवैध खनन एवं कोयला चोरी पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बिहार से सांसद राकेश सिन्हा के सवाल पर यह जानकारी कोयला मंत्री की ओर से लिखित में 19 जून 2021 को दी गई है। दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड में ECL के ही क्षेत्र में ज्यादा कोयला चोरी है। मालूम हो कि ईस्टर्न कोल फील्ड का क्षेत्र बंगाल के अलावा झारखंड भी है। धनबाद के मुगमा व राजमहल क्षेत्र में ECL का लीज होल्ड एरिया है। इसके अलावा झारखंड के CCL इलाके में भी कोयला चोरी के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मंत्री की ओर से दिए गए जवाब में BCCL से कोयला चोरी का जिक्र नहीं है और न आंकड़े ही दिए गए हैं, जबकि धनबाद के BCCL के विभिन्न इलाके से रोजाना करीब 2.5 से 3 करोड़ का कोयला चोरी आम बात है। कोयला चोरी से कितने के नुकसान संबंधी सवाल पर जवाब में कहा गया है कि ये पता लगाना मुश्किल है और इस तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आजाद सिपाही ने पिछले 2 अंकों में इन दिनों धनबाद जिले के ECL और BCCL की विभिन्न कोयला खनन परियोजना से जारी अवैध कोयला चोरी और कारोबारी के चेहरे से पर्दा हटाया। साथ ही कोयला चोरी की खबर के बाद धनबाद जिला प्रशासन की कार्रवाई में जब्त 3700 टन अवैध कोयला, 2 विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़े गए अवैध कोयला लदे 3 ट्रक और कारोबारियों के खुलासे को भी सामने रखा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे धनबाद जिला के निरसा, पंचेत, मैथन, मुगमा, झरिया, बाघमारा, कतरास, गोधर आदि क्षेत्रों में ECL और BCCL परियोजना से रोजाना लगभग 4-5 करोड़ की कोयला चोरी की जाती है। साथ ही किस तरह से हजारों करोड़ का कोयला बेचकर सरकार को सैकड़ों करोड़ का GST का चूना लगाया जाता है। तथ्य को खंगालती आजाद सिपाही के धनबाद ब्यूरो चीफ मनोज मिश्र की रिपोर्ट। कोयले का अवैध खनन BCCL और ECL कंपनियों के लीज होल्ड एरिया के साथ प्रतिबंधित खदानों या रिमोट एरिया में किया जाता है। साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनियां भी चोरी से कोयला बेचती हैं। इसमें ECL, BCCL आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रबंधक और ट्रांसपोर्टर CISF जवान शामिल होते हैं। अवैध खनन की रोकथाम के लिए कोयला कंपनियों द्वारा डोजरिंग, कंक्रीट वॉल से लेकर खान प्रहरी, मोबाइल ऐप तक व्यवहार में है, लेकिन नतीजा शून्य है। कोयला कंपनियां अवैध खनन और चोरी को लेकर स्थानीय लोगों में केस दर्ज कराती है। कार्रवाई लोकल पुलिस प्रशासन को करनी है, लेकिन बड़े तस्कर साफ बच जाते हैं। कोयला चोरी को लेकर गिरफ्तारी न के बराबर कहा जा सकता है। अब बताते हैं कैसे होती है कोयला चोरी। झरिया की CKWO साइडिंग से मालगाड़ियों से पावर प्लांटों को कोयला भेजा जाता है। यहां से रोज करीब 40 से 50 टन कोयला चोरी होता है। डिस्को पेपर या पैड पर भी कोयले की हर रोज करोड़ों की चोरी होती है। जिस गाड़ी में अवैध कोयला होता है उसके ड्राइवर के पास एक पैड होता है। GT रोड के थानों की पुलिस पैड देखने पर गाड़ियों की जाँच नहीं करती। आउटसोर्सिंग कंपनियां भी कोयले की चोरी कराती है। उत्पादित कोयले को कम बताकर बचे कोयले को ऊंची दर पर खुले मार्केट में बेच दिया जाता है। MPL समेत अन्य जगहों के लिए निकले ट्रक हाईवा दूसरी जगह कोयला गिरा देते हैं। MPL के पेपर की आड़ में कई ट्रिप कोयले की लोडिंग अनलोडिंग होती है। कोयला अधिकारी भी उत्पादन और डिस्पैच के गलत आंकड़े देख कंपनियों को चपत लगाते हैं। ओवर रिपोर्टिंग से हर साल करोड़ों की क्षति होती है। BCCL की परियोजनाओं से रात में हाईवा से कोयला चोरी। BCCL की परियोजनाओं से रात में हाईवा से कोयला चोरी होती है। ऐसे ही एक मामले का भंडाफोड़ कुसुंडा क्षेत्र की एना परियोजना आउटसोर्सिंग में 21 मार्च 2021 को हुआ। रात में हाईवा से कोयला चोरी के मामले की सूचना पाकर CISF DIG विनय काजला की गहन छानबीन में सामने आया कि यहां RK ट्रांसपोर्ट की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। आउटसोर्सिंग के टाइम हाउस के पास लगे CCTV फुटेज को खंगा लगाया। पता चला कि 1:09 से लेकर 2 बजे तक 6 हाईवा को कोयला लोड कर दूसरे रास्ते से ले जाते देखा गया।
चलती हाईवे पर सवार होकर लूट लेते हैं कोयला। गोधर और कुसुंडा पीएनआर साइडिंग इन परियोजना के रास्ते कतरास कोयलांचल की आउटसोर्सिंग परियोजना में जान हथेली पर लेकर कोयला चोरी का कारोबार बदस्तूर फल फूल रहा है। रात तो रात, यहां दिन में भी अपनी जान की परवाह किए बिना कोयला चोर चलती हाईवे पर सवार होकर कोयला लूट लेते हैं। कई बार इससे हाईवे ट्रक की चपेट में आने से कोयला उतारने वाले की मौत तक हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद कोयला चोरी का काम बंद होता या रुकता नहीं है। कोयला चोरों का समूह इतना संगठित या मजबूत है कि कोयला उतारने के क्रम में घायल या मरे व्यक्ति के नाम तक की जानकारी पुलिस या किसी को नहीं हो पाती है। कोयला चोरों की मनमानी और किसी अनहोनी घटना होने के डर से हाईवे चालक गाड़ी रोक देते हैं। कोयला चोरों द्वारा कोयला उतारने के बाद हाईवे आगे साइडिंग के लिए रवाना होता है। अगर इस बीच कोई हाईवे चालक गुस्ताखी कर देता है तो उसकी खैर नहीं, कोयला चोर बाद में उस हाईवे का शीशा फोड़ डालते हैं। कोयला चोरी का ये कारोबार गोधर काली बस्ती 26 नंबर कुसुंडा साइडिंग और कुस्तौर साइडिंग में विशेष होता है। कोयला चोर हाईवे से कच्चा कोयला उतारकर डिपो या साइडिंग से कोयले की चोरी करने के बाद पकाकर पौड़ा बनाते हैं। उसके बाद पौड़े कोयले को बोरियों में भरकर साइकिल या मोटरसाइकिल पर लादकर कुसुंडा रेल फाटक के रास्ते मटकुरिया भूली के रास्ते बरवा अड्डा या गोविंदपुर के भट्टों में ले जाकर बेच देते हैं। कोयला चोरों के मजबूत समूह के कारण गोधर काली बस्ती में रात कौन कहे दिन में भी जाने से पुलिस घबराती है। गोधर काली बस्ती 26 नंबर में नित्य दिन कोयले के काफी भट्टे जलते दिखाई देंगे। गोधर कुसुंडा में कोयला चोरी के इस कारोबार को रोकने में BCCL, CISF और केंदुआडीह पुलिस विफल साबित हो रही हैं। वैसे सूचना मिलने पर केंदुआडीह पुलिस और CISF कार्रवाई के लिए पहुंचती हैं, लेकिन पुलिस और CISF के पहुंचने से पूर्व कोयला चोर फरार हो जाता है। इधर झरिया कोयलांचल और कतरास कोयलांचल के इलाकों में भी चलते हाईवे से कोयला लूटा जाता है। झरिया क्षेत्र की बात करें तो बस्ता कोला इंडस्ट्री कोयलरी शिमला बहाल होरलाडी भालगोरा बीएनआर रेलवे साइडिंग धनुडी लोदना जयरामपुर चीन कोठी भौरा जामाडोबा आदि क्षेत्रों में कोयला का अवैध धंधा परवान चढ़ा हुआ है। दिन के उजाले में भी अवैध धंधेबाज आसपास के कोयलरी परियोजना से चोरी का कोयला सुरक्षित स्थान पर जमा करते हैं। रात्रि में अवैध कोयला को ट्रक के माध्यम से जिले के हार्ड कोक भट्टों में खपाया जाता है। वहीं राजापुर से बीएनआर जाने वाले हाईवे से भी कोयला चोरी की जाती है। GT रोड के हार्ड कोक भट्टा में खप रहा अवैध कोयला। जानकारी के मुताबिक GT रोड स्थित हार्ड कोक भट्टा में अवैध कोयला कारोबार फल फूल रहा है। BCCL के बंद खदानों, बंद आउटसोर्सिंग, पुराने बंद सीम, मुहान से कोयला काटकर स्कूटर साइकिल और बाइक में लादकर जगह जगह अस्थायी लोडिंग पॉइंट तक या अवैध भट्टों में चोरी छिपे भेजा जाता है। यहां से अवैध कोयले का खेप गोविंदपुर के लाइसेंसी कोक भट्टा या फिर बंगाल तक भी भेजा जाता है। अवैध तरीके से निकाले गए कोयले को यूपी बिहार भेजने का काम भी जारी है। गोविंदपुर में खपाया जा रहा निरसा का अवैध कोयला। अवैध कोयला गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित ईंटे भट्टे और कोल डिपो में खपाया जा रहा है। हाल के महीनों में कई मामले पकड़ में आए हैं। इससे अवैध कोयला कारोबार के सिंडिकेट का गोविंदपुर क्षेत्र में सक्रिय होने को बल मिलने लगा है। ये सारा खेल सेटिंग गेटिंग से चल रहा है। बताया जा रहा है कि निरसा थाना क्षेत्र से प्रतिदिन हजारों टन कोयले की चोरी हो रही है। गोविंदपुर क्षेत्र में साइकिल बाइक और हाईवे से कच्चा कोयला डिपो व भट्टों में पहुंचता है। भट्टा में कोयला पहुंचने पर वैध हो जाता है। उसे कच्चा व सॉफ्ट कोक बनाकर मंडी में सप्लाई किया जाता है। लिंकेज के नाम पर कोयले का अवैध कारोबार 20 जुलाई 2021 को जिला खनन कार्यालय धनबाद के खान निरीक्षक दिलीप कुमार ने कोयले के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। ये कारोबार BCCL से कोल लिंकेज के नाम पर किया जा रहा था। गोविंदपुर थाना अंतर्गत जंगलपुर मौजा में श्रीराम हार्ड कोक एवं एलाइड इंडस्ट्रीज में गहन जांच पड़ताल के दौरान JH09Y2643 एवं JH10AF1509 नंबर के दो ट्रकों पर कोयला लदा पाया गया। दोनों ट्रकों पर क्रमशः 24.87 एवं 25.78 टन कोयला लोड था। जब चालक से परिवहन कागजात की मांग की गई तो चालक ने कहा कागजात मैनेजर को दे दिया गया है। मैनेजर द्वारा प्रस्तुत चालानों की जांच की गई तो पता चला कि यह कोयला BCCL के ब्लॉक 2 OCP के वॉशरी ग्रेड 3 से तिरुमाला बालाजी हार्ड कोक इंडस्ट्री रुकनी पुरलिया पश्चिम बंगाल तथा ब्लॉक 4 कुरडीह कोयलरी से वॉशरी ग्रेड 3 सत्यम हार्ड कोक इंडस्ट्री रुकनी पुरलिया पश्चिम बंगाल के नाम लोड हुआ था। जांच में चालानों में गड़बड़ी पाई गई। जांच में ये बात भी सामने आई
कि इन तीनों हार्ड कोक को भट्टा के नाम पर कोल लिंकेज आवंटित है, जिसकी आड़ में अवैध कारोबार किया जा रहा है। ईटा भट्टा भी कोयला चोरी खपाने का अड्डा। पिछले 4 साल से धनबाद जिले के गोविंदपुर, तेतुलमारी, राजगंज, तोपचांची, निरसा, बरवा, डाबा, घमारा, बरोड़ा समेत विभिन्न स्थानों पर ईटा भट्टा कोयला चोरी कारोबार को भी उफान दिया है। ईट भट्टा संचालक कहते हैं कि जितने में एक नंबर का एक ट्रक कोयला आएगा, उतने में हम लोग साइकिल वालों से 2 ट्रक कोयला जमा कर लेते हैं। माल वाहक वाहनों में 3 टन ईंट लोड करने का नियम है, हम लोग 6 टन लोड करते हैं। एक नंबर से चलाएं तो 25,000 रुपए गाड़ी की ईंट 50,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच जाएगी। सो सीधा सा तरीका है, खनन विभाग को सीजन और थाना को महीने का पैसा पहुंचाओ और खुलकर काम करो। पूरा मामला अब सेट हो चुका है। जनवरी 2020 में करीब 300 करोड़ का GST चोरी करने का मामला सामने आया। इसमें माँ गायत्री एंटरप्राइजेस, माँ शांति ट्रेडिंग कंपनी, जगत जननी एंटरप्राइजेस, माँ भवानी एंटरप्राइजेस, शर्मा एंड सन्स, RK एंटरप्राइजेस, राय एंटरप्राइजेस, विकास कोल एजेंसी, राजन कोल ट्रेडिंग, शिवशंकर कोक सप्लायर, शर्मा एंटरप्राइजेस, जानकी कोल ट्रेडिंग, श्रीराम कोल ट्रेडिंग, बालाजी एंटरप्राइजेस, सिन्हा एंटरप्राइजेस, पूर्वा एंटरप्राइजेस, भूतनाथ एंटरप्राइजेस आदि पर प्राथमिकी दर्ज की गई। CID रिपोर्ट में सफेद पोश, स्थानीय नेताओं, माफिया और पुलिस के गठजोड़ का जिक्र। इस साल अवैध कोयला कारोबार को लेकर CID मुख्यालय को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में सफेद पोश, स्थानीय नेताओं, माफिया और पुलिस के गठजोड़ का जिक्र है। CID ने जांच के दौरान 27 ऐसे कोयला कारोबारियों की पहचान की थी जो कोयले के अवैध कारोबार में शामिल बताए जा रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यह जांच शुरू हुई थी। CM के आदेश पर ही CID टीम धनबाद ने मामले की जांच कर एक गोपनीय रिपोर्ट CID मुख्यालय को भेजी थी। CID मुख्यालय ने इस रिपोर्ट को पुलिस मुख्यालय को कार्रवाई के लिए भेजा था। साथ ही धनबाद पुलिस को भी इस संबंध में कार्रवाई के लिए लिखा गया था। इसके अलावा साल 2018 में भी धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार की हुई CID जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इसकी पूरी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी गई थी और धनबाद पुलिस को भी कार्रवाई के लिए लिखा गया था। इसके बावजूद भी धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक अवैध कोयले के इस कारोबार में स्थानीय पुलिस से लेकर स्थानीय नेता और कोयला माफिया सब भागीदार हैं। आगे हम बताएंगे कैसे मैनेज होता है कोयला चोरी का खेल। यहाँ बात और मुलाकात तक के लगते हैं पैसे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।